मुंबई के बड़े व्यवसायी हरीश दरियानी पर लगे आरोप गंभीर हैं। आरोपों के मुताबिक हरीश दरियानी की मक्कारी कभी सामने ना आती अगर लोग अदालत में जमीन पर अपने दावे ना करते। अगर ऐसा हो जाता तो हरीश दरियानी अपने साईं ट्रस्ट को भी धोखा देने में कामयाब हो जाता। उसकी चालाकी अपने अंजाम तक पहुंच जाती। आरोपों के मुताबिक साईं दरबार को धोखा देने की कोशिश इसलिए की ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। असल में हरीश चाहता था कि जो धोखा उसने किसानों को दिया है उसका खुलासा न होने पाए। हरीश दरियानी ने जमीन अपने ट्रस्ट के नाम पर किसानों से खरीदी थी और इसकी कीमत भी किसानों को कम दी गई थी। उसने किसानों को यह भरोसा दिलाया था कि वो इस जमीन का इस्तेमाल वृद्धाश्रम, गरीबों के लिए घर, अन्नदान के लिए प्रसादालय और दूसरे सामाजिक कामों के लिए करेगा। लेकिन दरियानी ट्रस्ट इस जमीन को इन कामों के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकता था क्योंकि यह जमीन ग्रीन जोन में आती है, यानी ये जमीन कृषि भूमि है। लेकिन हरीश दरियानी ने बड़ी ही चालाकी से किसानों और सरकार की आंख में धूल झोंकने की ठान ली। हरीश को पता था कि ग्रीन जोन वाली जमीन नॉन एग्री जमीन यानी कि गैर कृषि की जमीन में तभी तब्दील हो सकती है जब उस जमीन को सिटी ट्रस्ट को दान में दे दिया जाए। आरोप के मुताबिक हरीश दरियानी को पता था कि ग्रीन जोन वाली 25 एकड़ जमीन अगर शिरडी ट्रस्ट लेता है तो वो जमीन तत्काल ही नॉन एग्री कर दी जाती है। इस आड़ में हरीश दरियानी की वो जमीन भी नॉन एग्री हो जाती जो ट्रस्ट को तो नहीं दी गई लेकिन दान में दी गई जमीन से सटी हुई है। जैसे ही ट्रस्ट दान की जमीन का इस्तेमाल साईं के नाम पर करेगा इसका फायदा उसके आसपास की जमीन को भी होगा और आसपास की जमीन वो अपने निजी फायदे के लिए करना चाहता था जिनके दाम नॉन एग्री होते ही आसमान छूने लगते। लेकिन दान की जमीन ने ट्रस्ट में खलबली मचा दी है। ट्रस्ट दो भागों में बट गया है। ट्रस्ट का एक धड़ा जमीन को लेना चाहता है लेकिन दूसरा धड़ा विवादित जमीन के झमेले से दूर रहने की सलाह दे रहा है। आज की तारीख में वो जो जगह दे रही है वो रोड के बहुत बीच वाली जगह में है, अंदर की जगह है। वह आज के तारीख में जो रेट चल रहे वह 30 लाख 25 लाख एकड़ ये हिसाब से रेट आज है। लेकिन जब ये सेवा संस्थान वहाँ डेवलपमेंट करेगी तब यही रेट वह 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास चली जाएगी। ये बात सही है कि जमीन की कीमत करोड़ रुपए में पहुंच सकती है। ट्रस्ट के दूसरे सदस्य मानते हैं कि जो जमीन विवादों में है उसे शिरडी ट्रस्ट के साथ क्यों जोड़ा जाए। झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर हुए सौदे से क्या साई खुश होंगे? क्या यही है साई की शिक्षा? एक वक्त की मक्कारी को शिरडी ट्रस्ट क्यों साई दरबार के नाम से जोड़ना चाहता है? क्या सिर्फ इसलिए शिरडी ट्रस्ट के हाथों में आते ही जमीन की कीमत करोड़ों में पहुंच जाएगी तो फिर साई के मकसद का क्या होगा? ये मामला उस इंसानी सोच नतीजा है जहां लोग पैसों की चाहत में कुछ इस कदर अंधे हो जाते हैं कि वो भगवान तक को दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटते। शिरडी से हरीश दिमोटर के साथ निशात शमसी, मुंबई IBN 7।